अच्छा, आपका अपने आप परिचय देंगे आप लोगों का, आपका नाम है? मैं प्रकाश गुरु हूँ। मैं वाटर पंडित डब्ल्यू वाटर यूजर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, और हमारा डंबर राउत पूजा छेत्री वो हमारा कैशियर है, और बुद्धा सुब्बा वो हमारा मेंबर है सर। अच्छा, ये कौन सा ब्लॉक में आता है? मिरिक ब्लॉक में सर, मिरिक ब्लॉक, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिंग ओके, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो अभी आप लोगों का यहाँ एक नया स्कीम आपका अप्रूव हुआ हाँ है ना? सर, तो अभी जो आप लोगों का WA बना है, उसमें आप लोगों का कितना मेंबर्स कितना है? 80 में सर, 80, 80 मेंबर्स है। 80 में। अच्छा, तो वो 80 मेंबर्स में तो जो है आपका कमांड एरिया जिसमें खेती होता है, कितना कमांड एरिया है आप लोगों का? 32 से लेकर 35 फाइव हेक्टर्स है। 32 से लेकर 35 हेक्टेयर। ओके, तो वो जो 32 से लेकर 35 हेक्टेयर है, वो खरीफ में पूरा में ही खेती होता है कि आपका कुछ कुछ जगह पे ही खेती होता है? उसमें मेनली खेती कौन सा होता है? उसमें मेनली खेती ऑरेंज का होता है सर, मेनली ऑरेंज है, ऑरेंज और और कार्डमम्स कार्डमम, और क्वास, जिंजर पास होता है सर। और बीन्स, बीन्स भी बीन्स होता है, गोल राउंड ग्राउंड गोल मिर्चा है, चिली। अच्छा, गोल चिली तो राउंड सर। वैसे धान सब्जी भी होता है, ज़्यादा नहीं होता है? धान धान, ज्यादा नहीं सर, अच्छा, सबसे ज़्यादा सब्जी में कौन सा होता है? स्क्वाश होता है। स्क्वाश। स्क्वाश में कितना हेक्टेयर या बीघा में आपका होता है स्क्वाश को खेती, करिए 10 ऐसे हेक्टेयर अंदाज 30 बीघा में से या 25-32 बीघा दस में से, हेक्टेयर हेक्टेयर में दस से? हेक्टेयर सर, देखो दस हाँ, हेक्टेयर 10 हेक्टेयर में आपका स्क्वाश का होता है। बाकी आपका सेकेंड हाइस्ट कौन सा है आपका उसके बाद? ये आपका इलायची में होता है, जिंजर होता है? नहीं ना, जिंजर होता है सर, जिंजर, जिंजर भी कितना होगा आपका जिंजर भी सर लगभग लगभग 10 से 15 हेक्टेयर में होता यस। होगा? ठीक है, तो अभी जो रबी में है वो तो खरीफ का है, तो खरीफ में जो 35 हेक्टेयर जो आपका चल रहा है, उसमें 35 हेक्टेयर में ही काम चल रहा है कि 35 हेक्टेयर से कम में? अभी 35 हेक्टेयर में काम चल रहा है, पैंतीस करेंट चल हेक्टेयर रहा में ही? है। तो अभी रबी में जो शीतकालीन में क्रॉप्स में आपका मेनली कौन कौन से वो होते हैं, क्रॉप्स होते हैं इसमें? इसमें इसमें शीतकालीन रबी में तो सर में पोटैटोस, पोटेटो होता है, और उसके बाद जो गाजर गाजर होता और है, बीट होता है सर, बीट होता बीन्स है, बीन्स होता है, अच्छा, और मटर गोभी, होता है सर, गोभी 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 होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप होता है आपका इसमें, सबसे इसमें ज़्यादा रबी में अभी शीतकाल में सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप होता है? शीतकाल में सर सबसे ज्यादा वो पोटैटो होता है सर। पोटेटो। पोटैटो अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, तो अभी आप लोगों का यहाँ जो मेन क्रॉप है सबसे ज़्यादा जो है, मैंने जो देखा सबसे ज़्यादा ऑरेंज है, आई मीन ऑरेंज मैक्सिमम फार्मर्स के पास ऑरेंज का गार्डन है। मैक्सिमम। अच्छा, तो अभी जो आपका यहाँ एवरेज जो जमी है, एवरेज जमी का परिमाण कितना होगा? जैसे ऑरेंज के लिए आप ऑरेंज नहीं, आप जनरल जो लोगों के पास जो ज़मीन है, एवरेज कितना होगा? एवरेज ऐसे 1.5 एकड़ होगा डेढ़ एकड़ एवरेज जैसा होगा, एवरेज। एवरेज डेढ़ एकड़ जैसा होगा? और सबसे जो ज़्यादा जो है कितना होगा, कितना होगा जिसके पास सबसे 6 ज़्यादा है? एकड़ तक 6 एकड़ तक सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कितना होगा? कम ऐसे 40 से 50 डेसिमल डेसीमल, डेसिमल 40 से 50 डेसीमल। अच्छा, बढ़िया है। तो अभी जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो क्रॉप है ये ऑरेंज है, जी ठीक है? ऑरेंजेस ऑरेंज तो ऑरेंज में मैक्सिमम फार्मर्स आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जी जी है ना? सब सब है अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का इकोनॉमिक जो एक ये मिलता है, रिटर्न मिलता है, ऑरेंज से मिलता जी, है ऑरेंज से मिलता है ना? सर। तो अभी ऑरेंज का अभी आप लोगों का जो है पार पेड़ से आपको कितना ऑरेंज मिलता है, कुछ आइडिया है अभी? अभी पहले तो मिलता था एक पेड़ से 6,000 तक मिलता छः था, हज़ार से तक? तक ओके, मिलता और था। वो कितना साल अभी पहले की बात है? इसको अभी प्रोडक्शन कम अभी हो गए, कम हो गया सर, अभी अभी ढाई तो हजार 2,500 3,000 से मिलता है तीन सर। हजार तक मिल रहा है। अच्छा, 2,500 से 3,000 मिलता है। अच्छा, तो अभी जो 2,500 से 3,000 मिलता है, पहले 6,000 मिलता था, अभी जो इतना कम हो गया है, और आपको बाजार में एक कम संतरा का कितना मिलता है आपको ऐसे एक का? ऐसे इसके साइज का होता है, हाँ साइज का सही, दाम हाँ होता है, बड़ा साइज होने से 45 45 का रेट से फोर्टी मिलेगा फाइव सर, फोर्टी फाइव मतलब गिन के रहता है वो 1,000 का 40 45 मिलेगा सर।
4500 टू, ये 4000 टू फोर वन थाउजेंड फाइव थाउजेंड हंड्रेड 1000 का। तो अभी जो आप लोगों का 7000 कमला पार ट्री से 2000 2500 हो गया, इतना कम हो गया, आप लोग ने कभी कोशिश किया जानने के लिए क्यों कोशिश तो कम हुआ? हमने कोशिश तो बहुत किया है हमने, लेकिन हम ये नेचुरल हिसाब से हमने खेती किया है, अभी वैज्ञानिक हिसाब से कोई हमने ट्रेनिंग किया ही नहीं, इसलिए हमारा प्रोडक्शन गिर रहा है। इसके लिए हम आपको जो ट्रेनिंग करने से थोड़ा हम इसको प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। अभी अभी आदमी प्रोजेक्ट से आप, एक तो है कि आपको जल मिलेगा, ठीक है, जल आप सिंचाई के लिए। दूसरा आप चाहते हो कि आपका जो ये संतरा का जो बागान है, आप चाहते हो कि आदमी प्रोजेक्ट के स्पेशलिस्ट आके आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग दे, ठीक है। और आप लोग, आप लोग और क्या चाहते हो हमारे प्रोजेक्ट से, आप लोग आदमी प्रोजेक्ट से और क्या चाहते हो आप? अभी तो हम लोग आप लोगों से ट्रेनिंग चाहते हैं, ट्रेनिंग करके सभी क्रॉप्स से ज़्यादा हमको फायदा मिले, ताकि नए नए विकल्प खेती करने के लिए हम न्यू ऐसा प्रोसेस चाहते हैं। जान न्यू सके। अच्छा, अभी ये जो प्रोजेक्ट, आदमी प्रोजेक्ट का स्कीम बना है यहाँ, जी ठीक है, उस स्कीम से आप लोग खुश हो? इसमें तो बहुत हम खुश हैं, अभी अच्छा। कहाँ तक जाएगा ये स्कीम से हमको कितना फायदा होगा, लेकिन पहले से जो डिपार्टमेंट से आप वर्ल्ड बैंक से बताए हैं उसके बाद उससे हम थोड़ा खुश हैं, लेकिन स्कीम चालू होने से कितना फायदा होगा इस बारे में वो तो बात उत्सुक की हैं हम, खुश तो बहुत हैं हम अच्छा। आदमी लोग। अभी पहले रबी में पानी, ऐसे मौसम में पानी पहले होता था, मींस अभी ये स्कीम आने के बाद तो आपका रबी में भी नहीं पानी नहीं आएगा, पीने का पानी थोड़ा मिलता था, मुश्किल से मिलता पर था। आपको सिंचाई के लिए नहीं पानी नहीं 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 मिलता है, नहीं ठीक है। तो अभी जो सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेते हो आप? अभी हम सिंचाई के लिए पानी तो अभी वर्ल्ड बैंक से तो जो मल्टीनी झोड़ा से हम ले रहे और हैं। वहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो आपका स्कीम तो अभी चालू होगा, ठीक है, स्कीम जो चालू होगा, तो अभी स्कीम चालू होगा तो फिर आप लोग सोच रहे हैं कि स्कीम से आपको जो पानी मिलेगा तो उससे आप लोग अपना जो प्रोडक्शन है, कृषि है, ठीक है, खेत है, उसको बढ़ाने के लिए आप लोग सोचे हैं कि इस पानी को हम लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे, हम और प्रोडक्शन करेंगे? वो तो हम हमारे जो कोशिश है बहुत कोशिश भी कोशिश ऐसा कर सोच रहे के रखा हैं, है, लेकिन फिर भी अगर वो क्रॉप्स के लिए जब भी ट्रेनिंग देता है हम लोग, तो वो लोगों से और किस टाइम में किस तरह का वो सिंचाई करना चाहिए और किस में कितना पानी डालना चाहिए, और वो लोग हम लोग बता दिया तो और अच्छा रहेगा सर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।